हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं जनरल साइंस के ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछली कुछ कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, तो इन सभी को हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आगे बढ़ें उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर एक, हृदय की धड़कन का नियंत्रक क्या कहलाता है, मतलब किसके द्वारा हृदय की धड़कन को कंट्रोल किया जा सकता है। आपके पास हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम होगा। आपको आंसर पता है तो कमेंट में आंसर जरूर बताना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेसमेकर, और ये कुछ ऐसा दिखता है। इसके द्वारा उन सभी मरीजों की हृदय की धड़कन को नियंत्रित किया जा सकता है जिनकी धड़कन जो है या तो काफ़ी कम होती है या फिर काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसको उनकी या छाती के अंदर एक छोटा सा चीरा लगा के दिल के अंदर फिट कर दिया जाता है, मतलब दिल से ऊपर फिट कर दिया जाता है। इसकी जो वायर होती हैं उसको दिल की जो वेन्स होती हैं उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, और इसकी जो अवधि होती है लगभग 10 साल तक इसके अंदर जो बैटरी होती है वो चलती है। इसके बाद फिर से इसे रिन्यू करा सकते हैं, मतलब नई बैटरी उसमें डाली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, रक्तदाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है। इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में लगातार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर, और कंपटीशन एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा इसे याद रखिएगा। प्रश्न नंबर तीन, मूत्र का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्क। जी हाँ, वृक्क या किडनी, जिसमें मूत्र का निर्माण होता है। और इसके साथ ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृक्क संख्या में या बोल सकते हैं किडनी संख्या में कितनी होती हैं। तो किडनी संख्या में 2 होती हैं और इनमें से प्रत्येक का वजन लगभग 145 से 150 ग्राम के आसपास होता है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव गुर्दे में बनने वाली पत्थरी किसकी बनी होती है। तो करेक्ट आंसर है कैल्शियम ऑक्सलेट। हमारे शरीर में जो पत्थरी जनरली बनती है वो बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की, और ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर पांच, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डायलिसिस। जनरली होता यह है कि जब किसी व्यक्ति की किडनियां खराब हो जाती हैं अधिक शराब के सेवन से या फिर किसी और कारण से, तो उनमें जो नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि ब्लड को फिल्टर करते हैं वो भी खराब हो जाते हैं, और इसी वजह से उनको कृत्रिम रूप से यानी कि आर्टिफिशियली ब्लड को फिल्टर करवाना पड़ता है, जिसे डायलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, रक्त का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना। तो इसका सही उत्तर होगा 7.4। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। वहीं दूसरा प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि रक्त की प्रकृति कैसी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्षारीय, क्योंकि आपको सबको पता है कि 7 से अधिक पीएच मान होने पर प्रकृति क्षारीय होती है और 7 से कम पीएच मान होने पर प्रकृति अम्लीय होती है। प्रश्न नंबर 7, कुत्ते बिल्ली बंदर आदि के काटने पर कौन सा रोग हो जाता है। तो इसका आंसर आपको जरूर पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिया या जलभीति रोग। हाइड्रोफोबिया या जलभीति रोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें रोगी को पानी से डर लगने लगता है, इसलिए इसे हाइड्रोफोबिया या जलभीति रोग भी कहते हैं। अब बात आती है कि इसके टीके का इजाद किसने किया था, मतलब इसके टीके का जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था। तो वो किया था लुईस पाश्चर ने, और इसे एंटी रेबीज वैक्सीन यानी कि ARV का इंजेक्शन कहा जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विषाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो विषाणु की खोज का श्रेय जाता है इवानोवस्की नामक वैज्ञानिक को। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहॉक। साथ ही साथ ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक से जुड़े कुछ तथ्य आपको बता दें कि इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, लेकिन जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी, और साथ ही साथ सरल सूक्ष्मदर्शी की खोज भी ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 10, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में मुख्य रूप से टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, और साथ ही साथ लाइसोजाइम एंजाइम भी उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कहलाती है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को पारसेक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी से मिलता जुलता।
प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? और इसका आंसर हो जाएगा दूरी का मात्रक। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न है ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूज होने का मैं आपको यहाँ पर कारण बताता हूँ। यहाँ पर पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो वर्ष जनरली मात्रक किसका होता है, समय का होता है, तो लोग इसीलिए इसका आंसर समय कर देते हैं। लेकिन जबकि प्रकाश वर्ष का मतलब ये है कि प्रकाश की जो किरण होती है वो एक साल में यानी कि 365 दिन में निर्वात में कितनी दूरी तय करती है, तो उसे बोला जाता है प्रकाश वर्ष। और यह दूरी मापने की दूसरी सबसे बड़ी इकाई है। पहली इकाई मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, और जो सेकंड इकाई आती है वो आती है प्रकाश वर्ष। इसलिए प्रकाश वर्ष जो है वो समय का नहीं बल्कि दूरी का मात्रक होता है। प्रश्न नंबर 13, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है, मतलब ध्वनि की तीव्रता को किसमें मापा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता को मापने की SI इकाई डेसिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रीनलिन हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से जाना जाता है, और एड्रीनलिन हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है। एड्रीनलिन हार्मोन के कई और नाम हैं, जैसे कि एड्रीनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन, करो या मरो हार्मोन, 3F हार्मोन और 4S हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आ पाए होंगे। कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।